दिस इज पार्ट टू वीडियो ऑफ ई कॉमर्स है ना पार्ट टू है ना पार्ट वन तो हम लिया उसका वीडियो भी डाल दिया है सो लेट्स डू पार्ट टू एंड टू स्टार्ट फ्रॉम ई टेलिंग है ना ओके स्क्रीन ओके तो ये ई e टेलिंग अगर हम लोग दूर से देखेंगे ना थोड़ा अजीब लगेगा ई टेलिंग ठीक है लेकिन जानता है ये लोग थोड़ा स्मार्ट प्ले किया यहाँ पर इट्स एक्चुअली रिटेलिंग होता है ना यू नो वो रिटेलिंग

या इस नाम भी कहने आयु। रिटेलिंग, रिटेलिंग मीन्स सेलिंग गुड्स इन रिटेल ऑन डी इंटरनेट। इट इस अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। इट रिप्रेजेंट्स बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी साइड ऑफ इकोमर्स। अमेज़न. dot com, फ्लिपकार्ट. dot com, स्नैपडील. dot com एंड रिटेलिंग फॉर्म्स। रिट <laughs> <Sorry>. <laughs> retailing has led to the development of e-tailware, which is a software tool for creating online catalogs. A new trend is in e-tailing is the price comparison site on which buyers can quickly compare prices of different retailers. Hmm. So e-tailing, as you know, is the word coming from the word retailing. That basically means selling on the net. Okay. तो तुम लोग एक तो नया वर्ड यहाँ पर अभी देखा है बी टू सी है ना ये देखा ना बी टू सी ये आजकल बहुत जगह तुम देखेगा एक तो तुम देखेगा बी टू बी ठीक है ठीक है तो बी टू बी बेसिकली मतलब होता है business to बिजनेस टू बिजनेस ओके बिजनेस बिजनेस टू एंड बी टू सी इज बिजनेस टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स ठीक है तो ये डायरेक्टली जो बी टू सी है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ बिजनेस टू कंज्यूमर हो रहा है सीधा सीधा माने बिजनेस फर्म जो है डायरेक्ट कस्टमर को बेच बेच रहे हैं सामान ठीक है बी टू बीता होता है बिजनेस वाले बिजनेस वाले को बेच रहे हैं ओके okay? तो so ये hmm. सब टर्म्स अभी बहुत कॉमन है नॉट एग्जैक्टली होलसेलर्स दे कैन बी मैनुफेक्चर ऑल्सो ठीक है तो दे कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ का ये सब अभी बहुत जारगोन जो है बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ठीक है थेके? ये सब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है बी टू बी बी टू सी ठीक है सी टू सी ठीक है तो इसका क्या स्टेप क्या है the main step in e -tailing are, retailing का स्टेप क्या सबसे आपका वेबसाइट होना चाहिए, ठीक है आप hmm. उस वेबसाइट में जाके कंपेयर कर सकोगे ठीक है? द फर्स्ट पॉइंट इज विजिट दाइट रीड हम लोग awesome. मत देना ओके?

ठीक है तो जितना इजी होगा आपके लिए उतना बेटर है ना बड़ा बड़ा कैटेगरीज में लिखा हुआ रहना चाहिए सो so, जितना इजी वेबसाइट होगा उतना लोग उसको ब्राउज कर पाएंगे उसका रेट वेट सब डाल पाएंगे उतना अच्छे से परचेसिंग कर पाएंगे सो वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स इन बिजनेस ठीक है अगर आपका वेबसाइट e अच्छा नहीं है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कोई देखेगा वेबसाइट अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा तो आगे स्विच तो ऑफ ही कर लेगा वहाँ है ना वो अगर दूसरा वेबसाइट में चला जाएगा सो यू हैव टू सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा जाके विजिट करना पड़ेगा वेबसाइट को ठीक है उसके बाद आई हैव टू डू द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट जैसे तुम देखेगा अभी वेबसाइट अपना जो आई सी ए आई का वेबसाइट है बहुत अच्छा है ना आप उसमें जाइए उसमें अलग अलग पब्लिकेशन है डाउनलोड्स है सब अलग अलग बुक्स देखना तो आप पब्लिकेशन में जाइए का सिलेबस है इलेवन का सिलेबस है, जो भी है।, so बहुत है ना उसको फाइंड आउट करने के लिए सो इट है वेबसाइट ठीक है फिर वहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हुआ होंगे आपको उसको चॉइस करना पड़ेगा सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्ट यस सर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट सर आवाज आ रहा है

Online through debit card, credit card, e wallet, etc. The e-tailer may provide a unique user account to maintain the transaction safe. In the rare cases, the e-tailer may mm -hmm. allow fashion will be of the

तो सीओडी हम लोग क्या चलता है तो हम लोग तीन, तीन लो सबसे पहले विजिट वेबसाइट उसके बाद चॉइस ऑफ प्रोडक्ट उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट ठीक है चूज ओके सेफ देखो देखो फिर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है बोलो सामान भेज देता है चलो किसका रीड है अच्छा नंदनी गुड रीड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट वंसिव देंड पेमेंट स्टेप टू दिलीवर द प्रोडक्ट The delivery of the product would depend on its availability in the inventory nearest to the customer's address. In some cases, an e-tailer just creates a platform through a website. The transaction actually takes place between a customer and a business firm. Most e-tailers take care of the entire procurement and disbursement process. Now business houses, वेयरहाउस टाइप का लगा के रखता है या इनका इनका माने किसी के संग से अंडरस्टैंडिंग होता है तो आपने अगर ऑर्डर दे दिया है तो ये लोग अब डेफिनेटली अगर बॉम्बे की फर्म है तो वो कलकत्ता माने कलकत्ता में आने में तो टाइम लगेगा तो दे नीड समबडी टू बी इन कलकत्ता ना खैर ये उनका उनका प्रॉब्लम है अपना प्रॉब्लम नहीं है आप देखोगे बहुत जल्दी डिलीवरी होता है ना विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स या फोर्टी एट आवर्स में आपका डिलीवरी हो जाता है सामान ठीक है तो जितना जल्दी डिलीवरी होगा उतना आपको फायदा है, है कि नहीं तो फोर्थ स्टेप क्या हुआ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट पहला क्या है वेबसाइट पर जाइए ठीक है सबसे पहले जैसे नंदनी अभी कैसे कैसे करेगी परचेजिंग सबसे पहले ड्रेस का वेबसाइट पे जाएगी ठीक है फिर स्क्रोल करते 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 थका देगी वो वहां से भी आएगा मैडम और नहीं हाथ जोड़ते हैं बस आप बहुत देख ली <laughs> खैर उसके <laughs> बाद उसको एक पसंद आएगा तो उसमें क्लिक करेगी ठीक है उसके बाद वो देखेगा पेमेंट तो ऑब्वियसली <laughs> तो सीओडी सीओडी करेगी फिर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट होगा फिर आ जाएगा ये आने के बाद ये फीडबैक देगी ना फीडबैक क्या बहुत ही बेकार ड्रेस था पसंद नहीं वापस ले जाओ पैसा वापस करो है कि नहीं

आप जब बुक करते हो ना उसके अंदर कैसा स्टार वारोब्लम वार। तो है तो वो लोग उसको क्या कर सकते होगा तो वो लोग उसको इम्प्रूव कर सकते इससे नेक्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम नहीं हो इट्स अ वेरी गुड इनिशियेटिव तो फीडबैक से आपको काफी कुछ मिल जाएगा लेकिन बहुत जन गुस्सा भी हो जाता है किसी को फीडबैक तो गुस्सा दूसरा दुकान सही ले ला हमारा दुकान में पसंद नहीं? चलो, अच्छा <laughs> है ठीक है सो ई टेलिंग बेसिकली रिटेलिंग ऑफर्स फॉलोइंग एडवांटेजेस क्या क्या है? इसको काटा हुआ है, नहीं आ रहा एग्जाम में लेकिन फिर भी एक बार हम लोग फटाफट रीड कर ले रहे रिटेलिंग प्रोवाइड्स एक्सेस टू कंज्यूमर ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स पूरे वर्ल्ड के लोग आके देख सकते हैं जैसे पूरा वर्ल्ड अभी मयंक सर का वीडियो देख रहा है, है नुम uh, तो लोग बोलेगा सर वर्ल्ड कैसे सर खाली इंडिया देख रहा है नहीं भाई वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम सिंगापुर यूएसए कनाडा पाकिस्तान ठीक है so सो पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट हम लोग का देख रहा है वीडियोस ठीक है लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा बहुत दुख की बात है वेरी बैड खैर कैरनी इट इज इजी एंड एक्सपेंसिव टू स्टार्ट ई टेलिंग इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ सिंगल रूम विद वन कंप्यूटर ओनली बहुत इजी बात है बैंक सर का भी ऐप आने वाला है जैसे हंड्रेड थाउजेंड हो जाएगा हम लोग का ऐप आएगा और दूसरा बात यह है कि जब हंड्रेड थाउजेंड होगा हम लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं तो जितने भी बच्चे जितने भी यूट्यूब के बच्चे सब रेडी हो जाओ फॉर पार्टी टाइम ठीक है हंड्रेड थाउजेंड होने के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी होगी

क्या बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स जो दुकानें होती है उसके अंदर तो आपको क्या नाम है दुकान लो ये करो वो करो इतना सारा काम है तब जाके आपका सेटअप होता है इसमें तो कुछ नहीं है। बस लैपटॉप लो सब कुछ डाउनलोड करो इधर इधर का प्रोडक्ट उधर का प्रोडक्ट लेके एक तो असेंबल करो एंड यू आर ऑन ठीक है एंड ई टेलर कैन गेट वेल्यूबल इन साइट ऑफ बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ई e टेलिंग में एक तो रिकॉर्ड रहता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किस तरह के कस्टमर है तुम देखते है ना यूट्यूब में आप जिस तरह का वीडियो देखते हो उसी तरह का वीडियोस आपको वो ज्यादा दिखाता है यूट्यूब वाला है ना आप जिस हाँ, तरह का सरु. वीडियो पे क्लिक करोगे ना उसी तरह का वीडियो आता है तो यहाँ पर भी वही आप जिस तरह का प्रोडक्ट को चूज करोगे वो उसी तरह का प्रोडक्ट आपको दिखाएगा ठीक है दिखाएगा है हाँ ना ये इजी तो है।, है उसको पता भी है कि ये, ये ऐसे उसको पता है कि धीमंत कुछ पसंद नहीं करेगा तो खुलता ही नहीं है सर बंद कर देता नहीं क्या इसका इसको दिखाने फायदा नहीं है विंडो शॉपिंग करेगा खाली विंडो शॉपिंग करेगा खाली ठीक है तो कस्टमर कैन शॉप फ्रॉम देयर होम्स विदाउट विजिटिंग अ शॉप ये भी बहुत अच्छी बात है इट इज देम टाइम सेविंग एंड एफर्टलेस कस्टमर कैन बाय अराउंड द क्लॉक ट्वेंटी फोर जब भी रात को मन नहीं लगे कॉफी ऑर्डर करो फिर मम्मी से मार खाओ अलग बात है लेकिन आप ऑर्डर कर सकते <laughs> okay, uh, तो हैं ठीक है इंस्टेड शॉप ड्यूरिंग तो जैसे नॉर्मल जो ऑर्थोडॉक्स शॉप्स होते हैं वो तो क्या नाम है हम लोग कन्वेंशनल शॉप है वो तो रात को बंद हो जाती है पर right. आप इसमें ट्वेंटी फोर आवर्स शॉपिंग कर सकते हो uh, कुछ डिसएडवांटेज भी है कस्टमर डू नॉट इजीली ट्रस्ट ट्रस्ट का आजकल तो कम हो गया आजकल तो सब ट्रस्ट करते हैं पहले पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम था ठीक है इट मे भी एक्सपेंसिव टू क्रिएट एंड मेंटेन ई टेलिंग वेबसाइट वेबसाइट बनाना कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाता है थोड़ा सा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट फुल फिलहाल ये एक तो प्रॉब्लम है अगर आप जैसे सपोज खोल ई टेलिंग कर रहे हैं तो आपको सामान का भी तो रखना पड़ेगा ना माना यू यू शुड हैव द गुड अगर किसी ने ऑर्डर दे दिया आपने सामान ही नहीं दिया तो क्या फायदा तो आपका खराब ही हो जाएगा नाम तो वो आपको पूरा अरेंज करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ठीक है एक इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होता है कस्टमर और क्या नाम है तो क्योंकि एक दूसरे को देख ही नहीं रहे इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा तो तो है तो दर इज नॉट अ इमोशनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड द बायर तो ठीक है कोई बात नहीं मेनी कंज्यूमर अ कस्टम टू पर्सनल सर्विस ड्यूरिंग शॉपिंग डू नॉट अफ सर्विस बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना जैसे तुम अपनी मम्मी के संग साड़ी खरीदने जाएगी तो मम्मी लोग का देखेगा का, जो दुकानदार लोग मम्मी लोग को जानता है चाय ठीक बोला बहुत सफर किया ना मम्मी के संग जाता है भैया चाय पता है <laughs> भैया ये मंगाइए भैया वो मंगाइए आई नो दैट धीमंत का एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम्हारा नहीं सफर हैं है और क्या मम्मी पकड़ के लिए लड़का लड़का बेचारा बैठा हो आराम से आजकल तो ऐड भी आ रहा है हाँ, ना एक हाँ, मम्मी साड़ी खरीद रही है वो लड़का हेडफोन लगा के देख रहा है मम्मी मुझे कैसी लड़कों पे अत्याचार नहीं होता है एनी वेज कस्टमर से रिल अच्छा ठीक है ठीक <laughs> है नंदनी तुम थोड़ा सा अपना जो है आ, तो आ, ना क्या नाम एक्सट्रीमिस्ट सेंटिमेंट उसको कंट्रोल करो मॉडरेट बनोज हाँ

चलो अब ये भी हम लोग के नहीं आ रहा सक्सेसफुल रिटेलिंग रिक्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नहीं आ रहा सो वी आर नॉट रीडिंग दिस ठीक है ई e एडवर्टाइजिंग तो इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग इज द नेक्स्ट पॉइंट क्या मतलब होता होगा ई एडवर्टाइजिंग एनी गेसेस हां सर मेरे को पता है बताइए सर मोस्टली uh, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट खोलते हैं जैसे अमेजोन या मतलब कि इंस्टाग्राम या हम लोग ऐसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम खोलते हैं

e-advertising or electronic advertising means sending advertising messages to consumers over the internet it is also known as online advertising or internet advertising or web advertising it involves an advertiser who provides advertisements to to be displayed on the website and a publisher who integrates different advertisements on his website advertising agencies prepare the advertising copy and an ad server technologically de uh, delivers तो उसके अंदर क्या होता है, तो है आपका कोई, अच्छा <coughs> आप को तो आप कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगेगा आप डायरेक्टली वहां से लिंक को क्लिक करके उस कंपनी के पास चले जाएंगे जो कंपनी एडवर्टाइज कर रहा है तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है आपको एडवरटाइज करने का मैंने बहुत ईजिल और आराम से हो जाता चलो नंदनी रीड इन एडवर्टाइजिंग specific terms cookie mm. Uh, it is a file on some uh, computer that records specific information from the search history to help promote relevant ad rotation ha ah, ye cookies ek to bahut hi important cheez hai tum dekhta hoga tumra computer mein jab bahut vast space space agar occupy ho jata hai to matlab delete the cookies hai hmm. na तो ये जैसे अभी तुम zoom जूम खोलते हो तो जूम का जो कुकी है उसके अंदर रहता है तो वो आपको हेल्प करता है जूम को बार बार जल्दी खोलने के लिए है ना तो जब अगर आप मान लीजिए अपना कुकी को डिलीट कर देंगे तो उसके बाद अगर आप जूम खोलेंगे तो इट विल टेक सम टाइम ठीक है बट कुकी क्या करता है वो एक इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर रहता है तो वो बहुत जल्दी आपको वहां पहुंचाता है जहां आपको जाना होता है ठीक है तो इट इज अ बेसिकली फाइल ऑन कंप्यूटर जो आपका स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है ठीक है सो कुकी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कुकी आपका हैंग भी कराता है कंप्यूटर का तो आप उसको डिलीट नहीं करते नहीं। रहते बट देन इट ऑल्सो हेल्प्स यू जो आपका फेवरेट जो साइट्स है वो बहुत जल्दी आ जाता है बिकॉज ऑफ द कुकीज ओके चलो वेब बैनर नंदनी

web banner advertising under it under it the background of the website is changed according to the chosen proportion it is most popular is it is um it is the most popular and is of two uh, two kinds a pop-up advertising a new new screen opens itself when the website is clicked b floating advertising a floating ad moves across the screen providing the user the option to click on it हम्म तो पॉपअप क्या होता है कि जैसे आप कोई वेबसाइट खोले संग में एक और संग में एक और वेबसाइट संग में खुल जाता है उसको तो संग लगा हुआ रहता है तो वो पॉपअप हो जाता है सो so ये वी वेब बैनर के अंदर में दो आता है और फ्लोटिंग का माने देखते है, देखते अचानक नीचे एक तो रेक्टेंगल बॉक्स आ जाता है वो फ्लोट करते हुए आ जाता है सो यू हैव द ऑप्शन टू लाइक यू कैन डिलीट इट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू सी कॉन्स देखता है सब डिलीट ही करता है ठीक है नेक्स्ट इज एडसेंस एडवर्टाइजिंग एडसेंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है और तुम लोग से भी अगर आएगा तो टू मार्क्स का क्वेश्चन आएगा टू टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग वेब बैनर एंड एडसेंस चलो रीड मेजर सर्च सर्च सच गूगल आर प्रमोशन फर्स्ट थ्री लिंक्स तो दिस लाइक इसको इसको बहुत ये एक्सक्लूसिव बहुत है समझाने का काफी बड़ा है बट इतना तुम लोग को याद करना एडसेंस और क्या नाम है वेब बैनर बस दो ही राइटाइजिंग right. okay, हो गया अब ई मार्केटिंग ठीक है चलो स्टार्ट करेंगे इसको ई मार्केटिंग स्टार्ट नंद्री

बहुत इनबॉक्स के अंदर में, में बहुत सारे कंपनीज का प्रमोशन रहता है ठीक है तो वो लोग अपना मार्केटिंग करती है आपके मेल के थ्रू में ठीक है जनरली मेल से आता है वो ठीक है एडवर्टीज में तो डायरेक्ट स्क्रीन में आता है या आपके मेल में आता है तो आप मेल में इसको स्टडी कर सकते हैं सारा डिटेल्स रहता है तो उसके अंदर तो हाँ, तो स्विगी तो, का आता भी आता है स्विगी का भी बहुत आपके मेल आता होगा दिस एंड दैट एंड एवरीथिंग बहुत सारा आपके मेल्स में आता है ये लोग करते हैं ठीक है सो ई मार्केटिंग मार्केटिंग द फॉलोइंग टाइप आर्टिकल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग वीडियो मार्केटिंग ई मेल मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग ये सब सारे क्या नाम है इसी के हिस्से हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग वो नहीं आजकल टपरवेयर बेचो सिग्नोर एक मेंबर बनाओ फिर दूसरा मेंबर बनाओ फिर चेन चेन वेन है ना नहीं होता क्या क्या आता है ना बहुत सारा नी आजकल तो चल रहा है सब

इसका एक तो बहुत ही फेमस है यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बहुत फेमस है एम वे एम वे सब जो था ना ये मार्केटिंग है हाँ सर। है ना चलो हाँ। ए -मार्केटिंग, ए -वार्थे, ए -वार्थे, ए ए ये नहीं सर डिसएडवांटेज कुछ काउंसिल नहीं आ रहा आप लोग आएगा ही नहीं वो ठीक है क्योंकि है नहीं चलो ई सिक्योरिटी ना दिस इज अ वेरी लाइक हॉट अभी टॉपिक है ये ई e सिक्योरिटी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सुनेगा फेसबुक हैक हो गया ये हैक हो गया वो हैक हो गया ठीक है और आपके कभी कभी तुम देखेगा फ्रॉड हो गया बैंक से पैसे निकल गए है ना तो ये ई सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस एवरी ऑल दिस ई कॉमर्स थिंग कैन बी समाइम्स वेरी डेंजरस फॉर यू सो ई सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है और किस तरह के वायरसेस होते हैं बहुत अलग अलग नाम सुनकर डर जाएगा

there is a high risk of inter, interest, intrusion, intrusion, or fraud. Or hmm. intrusion or fraud. examples hacking is, and phishing, hacking, phishing, etc. In, in exchanging information on the internet, several methods are therefore used to protect, protect the transfer of data. encryptions, digital signatures from the ground of tech, engineering are some of them production production of data and information stored uh, stored in computers and traveling across the internet is a very challenging task it is necessary to identify the security threats and design effective solutions for them uh, uh -huh. a boss software download right? allow this software to use your camera allow this software to hmm. use your mic right? hmm. allow right. this software to uh, like process your data and all पता तो है बहुत सॉफ्टवेयर अगर रग्णा हम अगर हम हम करते हैं ये परमिशन नहीं भी देंगे तब भी आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं ठीक है आपको जरूरी नहीं है सारा परमिशन देने के लिए पर जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो बिकम लिटिल केयरलेस ना उसके बाद उसका टर्म्स एंड कंडीशन को भी हम लोग कल खाली फ्री देखते डाउनलोड कर देते हैं ठीक है लेकिन उसके उसके संग संग वो लोग भी कम ऐसे होशियार नहीं है जो फ्री में दे रहे थे ठीक है वो लोग उसके संग संग क्या करता है तुम्हारा इनफॉमे डेटा ले रहा है डेटा को भी शेयर कर लेता है वो देख लेता है तुम किस तरह का डाटा यूज करता है किस तरह का तुम्हारा एड्रेट है सब कुछ है तो दे हैव ऑल द वाइटल इन्फॉर्मेशन अब चाइना के पास तो इतना इन्फॉर्मेशन है हम लोग के बारे में हमारे मम्मी के पास नहीं होगी हम कैसे है उसको पता है तुम किस तरह का आदमी है चाइना को लेकिन मम्मी को नहीं पता इतना इन्फॉर्मेशन है उनके पास में समझ में आया फॉर एग्जाम्पल जब तुम एग्जाम में चीटिंग कर रहा था मम्मी को तो बोला मम्मी हम चीटिंग नहीं करते हैं और उसको सब पता है कि तुमने आंसर गूगल में देख कर दिया था <laughs> तो, देखा तो देखा बता देखा है, इसका सबसे ज्यादा <laughs> अच्छा एग्जाम्पल है मतलब जैसे 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 बहुत सारे बहुत सारे सारे अभी रिसेंटली एप्स हुए थे ना सर like uh -huh. मतलब जो, जो ले रहा था चाइना उसके लिए मतलब कर क्या बात है मत लगता बड़ा हो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा लग रहा है। चलो थ्रेट्स कौन कौन सा थ्रेट्स जल्दी सिक्योरिटी आर Read information general knowledge नहीं। 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 malware hmm. Malware is short for malicious software. Software is such software used to disrupt computer operation, gather sensitive information or gain access to private computer systems. Malware is defined by its malicious intent acting against the requirements of the computer user and does not include software that causes unintentional harm. due to to some some deficiency, the term bad wear, is some bad wear sometimes used and and applied to both true malicious malware and unintentionally harmful software. तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है जान मुझ के computer में डाला जाता है एनी, एनी वो तुम्हारे कम्प्यूटर का साराटिव इन्फॉर्मेशन करके उसके यूजर को बता देता ठीक है सो दीज आर थ्रेट्स ठीक है ये तुम देखेगा जितना गवर्नमेंट इंप्लॉइज uh, होते हैं जो सिक्योरिटी से कंसर्न लोग होते हैं उनके ये सब कंप्यूटर uh, में डाला जाता है जैसे उनका इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए ओके चलो एक नया वर्ड आया बॉटनेट रीड करो धीमंत बॉट कैसा मैं तो कहता हूँ बॉटनेट सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट बॉटनेट इज फॉर्म ऑफ रोबोट रोबोट का स्पेलिंग बोलो आर ओ बी ओ टी है ना तो आर ओ हटा दो तो क्या बचेगा बॉट ठीक है तो बॉट bot, तो बॉटनेट इज बेसिकली अ रोबोट का वर्ड आया ठीक है ऑटोमेटिक बॉट

ठीक इसी तो है इसीलिए तो हम देखते हैं ना बहुत सारा हम लोग को वो भी आता है ना कि वायरस के लिए वो आता है सॉफ्ट वो आता है ना सॉफ्टवेयर जो आपको वायरस एंटी वायरस वो डालना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कभी कुछ डाउनलोड करते हो और आपके पास एंटी वायरस नहीं होगा तो ये सब आ, सब हीरो लोग आपके मैंने रोबो और ये और वो सब घुस जाएगा और सारा <laughs> आपका इंफॉर्मेशन आपको पता भी नहीं चलेगा आपके संग क्या हो रहा है ठीक है चलो नेक्स्ट नी रीड कंप्यूटर वायरसेस

अपना रिप्रोडक्शन करके अपने आप को रेप्लीकेट करता है और अपने जैसे हजारों बना लेता है लाखों बना लेता है और आस्ते आस्ते वो हमारे बॉडी का पूरा पार्ट्स को टेक ओवर कर लेता है तो सिमिलरली वैसे ये कंप्यूटर वायरस भी एग्जैक्टली exactly वैसे ही काम करता है ये अपना रेप्लीकेट करता है इफेक्ट्स को ठीक है और हमारी फाइल को इन्फेक्ट करना चालू करता है आस्ते आस्ते तो exactly उसी तरह से काम करता है इसी कर इसका नाम भी कंप्यूटर वायरस रख दिया है तो ये अगर घुस जाएगा तो फिर ये आस्ते आस्ते आपके कंप्यूटर को ही टेक ओवर कर लेगा सो इट्स ऑल्सो वेरी डेंजरस ठीक है चलो नेक्स्ट नंदनी

which restricts access to 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 the 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 computer system that it infects and demands a hmm. ransom to the creators of the malware in order for the restriction to be removed। ये तो है, ना जान पहचान मैं तेरा मेहमान लोग एक तो सॉफ्टवेयर डाल देगा तुम्हारा ऑन ही नहीं होगा या तुम्हारा कोई फाइल है वो खुलेगा ही नहीं तुम्हारा ऐसे पता है सर क्या होता है ना मतलब सारे फाइल्स जो होते हैं ना वो एक बॉल में वो ट्रांसफर हो जाता है उस बॉल को मतलब की मतलब की खोलने के लिए उसके अंदर पैसा डालना पड़ता है जो तो मतलब मतलब पे करना पड़ता है वो जो जो किया है और फिर उस नंबर पे पे करेंगे क्या बिटकॉइन से पे करना पड़ता है सर क्योंकि बिटकॉइन तो अनट्रेसबल होता है जैसे ही पे कर देंगे तो चांसेस ये भी पता नहीं कि आप खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा और ऊपर से एक टाइमर भी दे देता है दस मिनट में नहीं खुलेगा तो पूरा वेबसाइट डिलीट जो भी फाइल है

सर ये एक टाइप का ना मतलब जो आ, ये एक टाइप का होता है जो मतलब कि एक टाइप का मतलब मैलवेयर होता है जो मतलब कि हम लोग को पे करना पड़ता है उसके लिए मतलब पैसा भी ले रहा है ऊपर से मतलब वायरस भी डाल रहा है और फिर मतलब की जैसी मतलब जैसे ही सेलिंग अप्रोच देगा हम लोग के ऊपर मतलब कि सोशल इंजीनियरिंग से जो मतलब कि मतलब हम लोग सेलिंग अप्रोच इसमें कभी कभी थ्रेड भी देता है ये लोग ठीक है देता है कि आपका ये डाटा जो है ये हम रिवील कर देंगे एक्स पार्टी को बता देंगे

माने माने ये रिपीटेडली एक बार आपके सॉफ्टवेयर में आ गया तो ये रेकरिंग होता है माने ये करता ही जाएगा आपके बारे में सारा स्पाई ये ऑन रहेगा आपको माने ट्वेंटी फोर सेवन आपका डाटा जाता रहेगा इसके पास में और ये सब गवर्नमेंट फाइल्स सबके अंदर में ज्यादा होता है तो ये स्पाई करता रहता है आपको ठीक है जैसे फोन हैक हो जाएगा तुम्हारा ठीक है तुम जिससे बात कर रहा है तुमको मालूम पड़ जाएगा इसको मेल दे रहा है उससे मालूम पड़ जाएगा व्हाट्सअप का जो डाटा जा रहा है सब मालूम पड़ जाएगा तो ये गवर्नमेंट्स लोग बहुत यूज करती है इनफैक्ट सब पॉलिटिकल पार्टीज लोग यूज करती है सब चीज़ को ठीक है ये लोग अपने ऑपोजिशन के उसमें डाल देता है फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी डाल देगा अमेरिका का प्रेसिडेंट के अंदर में ये तो वो क्या सोच रहा है इंडिया के बारे में उसको सब मालूम पड़ जाएन वाई सी वर्षा चाइना भी करता रहता है इसलिए तो वो मूवी नहीं देखी थी एक तो मूवी था ना कौन सा उरी उरी में वो अपना फोन तोड़ता रहता है बार बार ऐसे देखती है बात करके फोन तोड़ता है हाँ फिर बात करके तोड़ता कर क्यू बिकॉज उसके अंदर स्पाइव डाल देता है कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर इंडिया ना वो तो पता नहीं किस किस से बात कर रहा है तो सब लोग चाह रहे हैं कि वो किससे बात कर रहे है वो मालूम पड़ जाए तो वो उसको ट्रैक करने की कोशिश करते रहते हैं तो वो खाली इन्फॉर्मेशन बोलता है और फोन तोड़ देता है इसमें so so तो तो हाँ एक, इस एक आयरनी का बात पता है सर क्या? ये सबसे ना ये जो चीज है ना सर ये ना मतलब ये सबसे इजी है बस आपको क्या करना होगा ना ये जो मतलब में आप इसको डाल दो

हाँ सर ट्रोजन हॉर्स अ ट्रोजन हॉर्स commonly known as a trojan is a general term for malicious software that pre that pretends to be harmless so that a user willingly allows it to be downloaded onto the computer sir ye magdeep verma okay हां हमको लग रहा potential hacker दिख रहा हमको यहां पर इतना <laughs> इतना <Itna, itna> excited <laughs> हो के कभी ये कोई चीज explain नहीं किया है ना नंदिनी <laughs> पूरा कॉमर्स हम लोग का सिलेबस मैंने ऑलमोस्ट खत्म हो गया ये कभी इतना एक अरे यार हां बताओ बताओ दीमन बताओ वेरी गुड सर इसका इकोलेट कर गया कैपिटल रेवेन्यू एक्चुअली नहीं देविन्यु सर एक्चुअली क्या हुआ ना एक्चुअली मेरे को बचपन से मतलब कि एक फैन सर बचपन से चोरी आ, करने का शौक है नहीं सर एक्चुअली बचपन से मतलब वेब डेवलपिंग ये सब इस सब में बहुत इंटरेस्ट आता है सर मेरे को गॉट 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 चलो जल्दी आओ हां सर इसमें ये एक्सप्लेन सर ये एक मतलब आपका शायद एक लिटरेचर चैप्टर भी था हम लोग का ट्रोजन हॉर्स के ऊपर सर ये मतलब ये ना एक्चुअली पुराने पुराने टाइम पे एक ग्रीक वॉर चल रहा था ग्रीक और किसी एक और से ग्रीक ने मतलब कि एक ट्रोजन हॉर्स भेजा था जो मतलब कि जो मतलब एक वॉर चल रहा था जो काफी टाइम से चल रहा था बहुत बड़ा हॉर्स भेजा था उसके अंदर बहुत सारे हाँ लोगों ने सोचा था कि ये तो इतना इतना अच्छा गिफ्ट है अब तो मतलब बोलो वॉर से भी भाग गए हैं अब तो मतलब कि सेलिब्रेशन होगा ट्रोजन हॉर्स के साथ हॉर्स अपने अंदर अंदर ले गया फोर्ट के एकदम हार्मलेस लगा

तुमको तो अरे बहुत ढूंढ रहा होगा रुक तेरा, तेरा लैपटॉप हैंग है अभी <laughs> एक से एक है चलो रीड करो key logger. Key logger, key login, often, often की लॉगर को जाम कर देता है आपका काम ही नहीं करेगा की लॉगर बेसिक की को ब्लॉक लॉग इन कर, दे, लॉक, कर, लॉक तो कर, कर देता हाँ की बोर्ड ही आपका लॉक कर देगा वो कैप्टन बोर्ड ही तो लॉक हो जाता है की बोर्ड ही लॉक हो जाएगा आपका उसका होगा ही नहीं काम फिर कर लीजिए <laughs> ऐसा होता है मेरा भाई मेरा भैया है जो कि लाइक एम है ठीक है तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है वो तो वो बहुत स्मार्ट है तो उनको एक लड़के ने चैलेंज किया कि आप वीडियो गेम में वो नहीं था पहले एक तो था किंग किंग कांग था टेक्ट होता ना का गेम था उसमें वो रानी को लेकर चला जाता है ड्रैगन फिर आपको जाकर रानी को छुड़ाना पड़ता है ठीक है तो वो मेरे भाई को ऐसे चैलेंज कर दिया कि आज शाम तक अगर तुम ये गेम में रानी को छुड़ा के ला जाएगा तो हम तुमको माने जो भी उनके अंदर चार्ज लग गया तो मेरा भाई तो कंप्यूटर इंजीनियर ही था वो क्या किया वो गेम के अंदर में गया और वो जो होता है ना जब मर जाता है ना तो गेम खत्म हो जाता है उसको कैंसिल ही कर कर दिया दिया लाइफ को तो मरेगा ही, मरे ही नहीं कभी तो वो आराम से जा जाके जा जाके जा मैंने आउट हुआ लेकिन वो गेम रिस्टार्ट नहीं हुआ गेम चलता ही रहा वहां से तो वो तो दो घंटे के अंदर ही रानी लेकर आ गया पूरा दिन का जरूरत ही था आउट ही नहीं हो रहा था नहीं सोचा तो बहुत मजेदार चीज है तो अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और, और पता है सर ये करेंगे तो दिस इज पार्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट थ्री करेंगे, थी। तो two, करेंगे okay? I'm you, ऐसे ही तुम तो ऐसे कोई भी चीज में इंटरेस्टेड हो तो अच्छे से करो वेरी नाइस nice. ठीक है वेरी गुड चलो यू सर बाय बाय